वे बीजेपी ने भी कहा कि हम बिना पर्ची के हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। यही तो सबसे ज्यादा बेईमानी किया उन्होंने, वही तो भ्रष्टाचार है सबसे। जो कौशल रोजगार निगम जो है वो बनाया उन्होंने, उसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी होती है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है, और जिस पोस्ट पे 40,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए 15,000 देने का, मतलब ठेकेदारी की नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी ठेकेदारी, क्या ये तमाशा बनाया इन्होंने। पंजाब में तो था, हरियाणा में ये हो गया, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और सबसे पहले तो जसी वास्ते मुका 2 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, हरियाणा में हालात पैदा ऐसे करेंगे जहाँ रोजगार के साधन पैदा की। 24 फसल की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और यही कोई नेता उसको बताते हैं 24 फसल हरियाणा में होती नहीं, जिनको एग्जाम ले रहे उन फसलों। MSP आज धान आया हुआ है 2300 रुपये MSP है। आप किसी मंडी में जाओ, लोग 1900 में 1800 में 2000 में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आगे MSP 15 हमारे टाइम में 15 सितंबर में शुरू खरीद करते थे। नमस्कार आदाब, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद, और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो 77 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि ना तो वो टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं। एक दिन में वो 16-16 सभाएं कर रहे हैं, कभी बस के ऊपर चढ़ के लोगों को संबोधित करते हैं, कभी लोगों के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को सुनते हैं, तो कभी मंच से हुंकार भरते हुए वो 10 साल का बीजेपी से हिसाब मांगते हैं। मैं बात कर रही हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के सांसद और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। अब जबकि बहुत कम वक्त बचा है, 3 तारीख को प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को लोग फैसला कर देंगे, तो आप कितने आश्वस्त हैं और कितने मुतमईन हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं तकरीबन सारे हरियाणा में घूम के आया, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी, आपने जो 7 वादे किए हैं, अगर हम देखें तो आपके कई और स्टेट में जो सरकारें हैं वहां पर भी इस तरह के मिलते जुलते कुछ आपने वादे किए, कुछ जगहों पर फंड्स की भी प्रॉब्लम हमने देखी। जो आप वादे लोगों से कर रहे हैं, धरातल पर आप उन वादों को किस तरह से उतारेंगे? नहीं करेंगे, अपने अलग अलग स्टेट की अलग अलग करनी होती है, एक स्टेट की दूसरे स्टेट से करना नहीं होता। जो वादे जो किए हैं वो करने के लिए किए हैं जी। आप हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2009 का उठा, कोई भी एक वायदा आप नहीं निकाल सकते जो हमने ना पूरा किया। और इनका बीजेपी का 14 का देख लो, 19 का देख लो, कोई वायदा पूरा नहीं किया। तो क्या मैं आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? देखिए, वो तो पद्धति है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री तो बनेंगे वो जो विधायकों का चुनाव के बाद जो विधायक बनेंगे उनका मत जाना जाएगा हाईकमांड द्वारा, हाईकमांड बनाएगी जिसको जो फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भूपेंद्र जी के, जो जब इलेक्शन की शुरुआत हुई और जो ग्राफ एकदम से कांग्रेस का हमने उठता हुआ देखा, लगभग ये लगा कि आपकी सीटें 65 से 70 आ सकती हैं, वो अब कम होती हुई क्यों नजर आ रही है? कुछ वही लोग जिन्होंने पहले आकलन किया अब वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया तो आपकी 55 सीटें आएंगी, ये आकलन क्यों बदल रहा है? क्या नाराजगी को आप भुना नहीं पा रहे लोगों की? नहीं, कोई आकलन नहीं बदल रहा जी, भारी बहुमत से कांग्रेस बनने जा रही है। आपको इसमें कोई वो नहीं लगता कि सीटें आप बता पाएंगे? मुश्किल सवाल होता है आखिर, लेकिन क्या फिर भी आप बता पाएंगे? बता दे, मैं भारी बहुमत कह रहा हूँ, प्रचंड बहुमत से कह रहा हूँ जी। आपको नजर लगाओ जी, ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, हालांकि लोगों को इंतजार था कि शायद वो पहले प्रचार में उतरेंगे, लेकिन वो लेट प्रचार में आए, और उसके बाद से जो तस्वीरें आई आप और शैलजा जी एक साथ नजर आए और लगा कि जो एक शायद एक खाई थी वो पार्ट ली गई है और आपकी नाराजगी आपस की शायद दूर कर ली गई। किसी से नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मेरे किसी से कोई नाराजगी नहीं। तो फिर ये उसकी मेरी कोई नाराजगी नहीं। फिर ये जो खबरें हैं कि वो आप लोगों की बनाई हुई खबरें, कांग्रेस एक मत है, कांग्रेस ने जो पार्लियामेंट में जहाँ फैसला करे सबने उसका साथ दिया, जिन्हें पार्टी जो है फैसला किया सब मत करेंगे। वो एक मंच पे नजर आती है लेकिन दूसरे मंच पे जब आप हिसार में जाते हैं वहाँ वो नजर नहीं आती है। हर जगह कोई हर जगह नहीं जी। अरे प्रधानमंत्री जी आते हैं, खट्टर साहब दिखाई नहीं देते, वो चर्चा नहीं कर रहे यार। नहीं, वो उनका तो पोस्टर ही हटा दिया है उन्होंने। चलो, मैं इस बात की रियल दिखाई नहीं देते जी। आप जो चर्चा करें सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लगे, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस
खिलाफ तो कोई नहीं कह रहा ना हमने कांग्रेस का नेता जी डंकी रास्ते की बात कल राहुल गांधी ने की, डंकी रास्ते की बात कि जिस तरह से युवा जो है वो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और वो एक बच्चे की बात बार बार बहुत जज्बाती होकर मंच से भी कर रहे हैं, और जब वो उनके गांव गए उनसे मुलाकात की तब भी वो बहुत ही जज्बाती करने वाला वीडियो है, और कल जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो इसका उन्होंने बहुत जिक्र किया, उनके दिल पर इसका बहुत असर है कि एक राष्ट्रीय नेता इस तरह से हमारे गांव में जाकर लोगों से मिल रहा है। आपकी अगर सरकार बनती है जिसके लिए आप आश्वस्त हैं, इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे जो लोग, जो युवा, जो बेरोजगारी के चलते पलायन करने के लिए मजबूर हैं? देखिए तो पंजाब में तो था, अब हरियाणा में ये हो गया क्योंकि बेरोजगारी में नंबर एक हो गया अभी। और सबसे पहले तो जैसी वास्ते हम कहा 2 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, हरियाणा में हालात पैदा ऐसे करेंगे जहाँ रोजगार के साधन पैदा किए जाए। जी, जो पक्की नौकरियों की आप बात कर रहे हैं 2 लाख की, ये सबसे ज्यादा आपका वादा युवाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे आप इसका रोड मैप किस तरह से तैयार करें, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि हम बिना खर्ची के, बिना पर्ची के हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। यही तो सबसे ज्यादा बेईमाना किया उन्होंने, वही तो भ्रष्टाचार है सबसे। जो कौशल रोजगार निगम जो है वो बनाया उन्होंने, उसमें ना तो कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी होती है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है। और जिस पोस्ट पे 40,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए 15,000 दे रहे, मतलब ठेकेदारी की नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी ठेकेदारी, क्या ये तमाशा बनाया इन्होंने। तो इस वास्ते जो है, और वो खुद जब उन्होंने देखा जिस दिन हमारा वो मैनिफेस्टो आया, अगले दिन उनका आया, वही बात उन्होंने की 2 लाख, तो ये तो मान गए ना 2 लाख जो है रेगुलर पोस्ट वे खाली है। क्यों किया इसने इन्होंने ऐसा, क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, क्यों दलितों का और बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन का हक क्यों वंचित रखा, ये एक इनका तरीका था बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को मतलब रिजर्वेशन खत्म करने का जी, एक रास्ता। जी, अभी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार आप प्रचार में जा रहे हैं, मैंने आपको बहुत मेहनत करते हुए मैंने आपको देखा, मैंने आपकी लगभग 2 कैंपेन ट्रेल जो है वो आपके साथ मैंने कवर की, 16-16 घंटे आप रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, 77 साल की उम्र में इतनी एनर्जी, हुड्डा साहब कहां से लाते हैं आप? ये सवाल अक्सर मोदी जी से पूछा जाता है लेकिन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। मोदी जी तो मेरे से थोड़े से कम उम्र के हैं लेकिन ठीक है जी, कहां से मतलब फिर भी लोग आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सामने चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुदरत होती है उनसे, तो भगवान की देन है जी, और अपना खान पान ठीक रखो, ठीक रहेगी। हमने हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा 3 चीजों के लिए जाना जाता है, पहलवान, किसान, नौजवान, और हमने पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटते हुए देखा, उनके ऊपर जुल्म होते हमने देखा, और अन्याय जो उनके साथ हुआ, इंसाफ अभी तक उन्हें नहीं मिला है। कांग्रेस ने क्या ये कोशिश की है विनेश फोगाट को टिकट देकर कि कम से कम हम कुछ जख्मों पे मरहम लगाएं, और क्या आपने इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, क्योंकि आप जंतर मंतर भी उनके साथ खड़े थे? जब मैंने महसूस किया इनके साथ जाति हो रही है, जब धरने में बैठे तो वहां भी हम गए थे उनका समर्थन करने, और विनेश का जैसे गोल्ड मेडल आना था और वो उससे वंचित हो गई। अब जो मैं समझता हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, नहीं तो 100 ग्राम वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, 4 घंटे में हो सकता है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं, कहीं ना कहीं कमी रही है या जानबूझ के किए अनजाने में किए, तो देखो समय बताएगा, लेकिन जाती हुई उसके साथ। और उनका बयान आया कि मैंने कुश्ती छोड़ दी, 30 साल की हो गई मैं, तो उस टाइम मेरे को बहुत वो लगा। उस टाइम मैंने बीजेपी को भी अपील की थी, भाई हमारे पास तो बहुमत नहीं है MLO का, लेकिन इनको राज्यसभा में नॉमिनेट करो ताकि इनके वो हौसला बने, क्योंकि वो बड़ा मायूस थी। फिर वो यहाँ आई, राहुल जी को मिले, विनेश पुनिया ना ये बजरंग पुनिया और विनेश, उन्होंने फिर कहा एक टिकट दो। हमने टिकट देने का मतलब ये है कि हरियाणा जो है खेल खिलाड़ी में नंबर एक था, वो कॉमनवेल्थ में 38 गोल्ड मेडल आते हैं तो 22 हरियाणा के आते हैं, ओलंपिक में 6 आते हैं 4 हरियाणा के आते हैं, और ये गोल्ड मेडल की वजह एक प्रेरणा स्रोत रहे और खिलाड़ियों के लिए, उनका हौसला टूटे, उनको ये लगे कहीं जाती होगी तो हरियाणा तुम्हारे साथ खड़ा है।
या आपने मैसेज देने की आपने कोशिश की। आपकी 10 साल के आपके शासनकाल को खासतौर पर खिलाड़ी याद करते हैं कि एक वक्त था, क्योंकि आप खुद लॉन टेनिस आप खेला करते थे, आप खुद बहुत ही खेल के प्रति आपका प्रेम देखने के मिला, और जब आपकी 10 साल की सरकार थी आपने लोगों के लिए उस वक्त काम किया। अब आप अगर सत्ता में आते हैं तो उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं ही रोहतक में जो अभी स्टेडियम है वहां मैं गई, स्टेडियम तो कांग्रेस के काल में बना, लेकिन अभी अगर आप जाके वहां देखें तो रात में खिलाड़ी खेल नहीं सकते क्योंकि वहां लाइटें नहीं है, सारा जो पूरा का पूरा जो जमीन है वो सब उखड़ी हुई है, उन वहां पर उनको कोचेज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं, यहां तक कि जो महिलाएं हैं उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है और बाहर किसी को पहरा देना पड़ता है अगर कोई महिला अंदर वॉशरूम में चली जाए। यही तो भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, कोई मेंटेनेंस नहीं। हमने गाँव में बनाए थे, मैं एक गाँव में गया था, मेरे को जाना पड़ा वॉशरूम में जी। अब मैं कह नहीं सकता इतना बुरा हाल, मेरे बहुत तकलीफ हुई है, मतलब खिलाड़ियों के तो हम तो हमारी जो नीति है अपना पदक लाओ पद पाओ तो फिर शुरू करेंगे। हमने तो कितने डीएसपी बनाए, कितने किए ताकि प्रेरणा मिले। एमएसपी की बात करते हैं, बीजेपी कह रही है हम तो 23 फसलों पे पहले से ही एमएसपी दे रहे हैं, और आप कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खराब जो है वो किसानों के लिए किया है। आपने आपने अपने वादों में कहा है कि आप एमएसपी देंगे। 24 फसल की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और यही कोई नेता उसको बताते हैं 24 फसल हरियाणा में होती नहीं जिनको इंतजाम ले रहे उन फसलों। एमएसपी आज धान आया हुआ है 2300 रुपए एमएसपी है, आप किसी मंडी में जाओ, आप लोग 1900 में 1800 में 2000 में बेचने को मजबूर हो रहे हैं, कहाँ की एमएसपी। हमारे टाइम में 15 सितंबर में शुरू खरीद करते थे, इन्होंने 15 को नहीं की कि 23 को करेंगे, अब 23 को कह दिया 1 को करेंगे, अब 1 को क्या करेंगे, इतना किसान अपना बेच देगा। तो हरियाणा में हम की करती लागू करें, कुछ ना कुछ कानून ऐसा बनाएंगे जो किसान को कम ना मिले भाव। और जवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना, ये तो केंद्र की है, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको किस तरह से, क्योंकि युवा जो सड़कों पर वो तो अग्निवीर के कह रहे हैं ये तो 26 में आएंगे, कुछ जो चार साल के बाद आएगा, ऐसे कह रहे हैं तो पहले रिजर्वेशन है, लेकिन ये गलत है, जो 4 साल में कुछ नहीं हो सकता है ना उसका भविष्य निश्चित होता है। तो हमारी अगर केंद्र में आएगी या हमारा दबाव बनाएंगे रेगुलर भर्ती की जाए जी। भूपेन जी जी बस एक सवाल और मेरा, जब हम लोगों से बात करते हैं तो जब उनसे पूछें कि उनके लिए मुद्दे क्या हैं, तो मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए ये हो गया है कि जातियों में बांटा, मजहबों में बांटा, और पूरे हरियाणा का जो एक तहजीब एक कल्चर था उसको पूरे तरीके से तहस नहस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कर दिया। अब आपसे लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जब आप आएंगे तो आप इस खाई को पाटेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बटे नहीं है। कांग्रेस की नीति है ना जात पे ना पात पे, मौत लगेगी हाथ पे। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।